ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय आज हम पढ़ रहे हैं श्रीमद् गीता यथारूप अध्याय अट्ठारह उपसंहार सन्यास की सिद्धि श्लोक क्रमांक चौदह शब्द पाठ अधिष्ठानम तथा कर्ता कर्ता च पृथक विधम पृथक विविधाह च पृथक चेष्टाह तैवम च एव अत्र पंचमम पंचमम अधिष्ठ तथा कर्ता कर्ण च विविधाश्च विविध चेष्टा दैव चैवात्र पंचम पंच। शब्दार्थ अधिष्ठान स्थान तथा, तथा और, और। कर्ता करने वाला करनेवाला उपकरण यंत्र इंद्रिया तथा पृथक पृथकिध विभिन्न प्रकार के विविधा नाना प्रकार के, के च तथा पृथक 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 चेष्टा प्रयास, प्रयास दीव परमा परमात्मा, परमात्मा, प्र। भी, भी एव यहाँ पाँच पांचवा अनुवाद एवं तात्पर्य द्वारा कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद अभायचरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद कर्म का स्थान यानी शरीर कर्ता विभिन्न इंद्रियां अनेक प्रकार की चेष्टाएं तथा परमात्मा ये पांच कर्म के कारण हैं तात्पर्य अधिष्ठानम शब्द शरीर के लिए आया है शरीर के भीतर आत्मा कर्म करता है जिससे कर्मफल होता है अतएव यह कर्ता कहलाता है आत्मा ही ज्ञाता तथा कर्ता है इसका उल्लेख श्रुति में है एशही ही दृष्टा सृष्टा प्रश्न उपनिषद चार नौ वेदांत सूत्र में भी ज्योत एव तथा कर्ता शास्त्रार्थवत्वात श्लोकों से इसकी पुष्टि होती है कर्म के उपकरण इंद्रियां हैं और आत्मा इन्हीं इंद्रियों के द्वारा विभिन्न कर्म करता है प्रत्येक कर्म के लिए पृथक चेष्टा होती है लेकिन सारे कार्यकलाप परमात्मा की इच्छा पर निर्भर करते हैं जो प्रत्येक हृदय में मित्र रूप में आसीन है परमेश्वर परम कारण है अतएव जो इन परिस्थितियों में अंतर्यामी परमात्मा के निर्देश के अंतर्गत कृष्ण भावनामय होकर कर्म करता है वह किसी कर्म से बंधता नहीं जो पूर्ण कृष्ण भावनामय हैं वे अंततः अपने कर्मों के लिए उत्तरदायी नहीं होते सब कुछ परमिच्छा परमात्मा भगवान पर निर्भर है ओम ज्ञानतिमीरांध से ज्ञानंजनशलाकय चक्षुन्मील ये नस्मी नमः नम श्रीचैतन्य श्री मनोभीष्ट स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरोः श्री पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतम सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सह गण ललिता श्री विशाखान जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री याद्वैत गदाधर श्री हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे पूरी भगवत गीता के अंदर भगवान एक जो महत्वपूर्ण चीज हमें सबको समझाते हैं वो है कर्म का सिद्धांत कैसे कर्म हमारे बंधन का कारण बनता है बंधन का कारण अर्थार्थ जन्म मृत्यु रूपी जो ये बंधन है उसके लिए हमें विवश करता है बार बार हमारे शरीर हमें लेने पड़ते हैं मृत्यु के बाद दोबारा हमारा जन्म निश्चित होता है पुनरअपि जननम पुनरअपि मरणम पुनरअपि जननी शयनम बार बार हमें शरीर एक एक माँ के घर में जाना पड़ता है और जन्म हुआ तो फिर जन्म मृत्यु जरा व्याधि ये सब चीज़ें आती हैं इसको कर्म बंधन कहते हैं कर्म के द्वारा जन्म मृत्यु के इस संसार में बंधना उसको कर्म बंधन कहते हैं तो भगवत गीता का बहुत एक केंद्रीय विषय वस्तु है इस कर्म बंधन को समझना जिससे हम इस कर्म बंधन को तोड़ पाए इससे हम बाहर निकल पाए ये आध्यात्मिक जीवन का आधार है ये है आध्यात्मिकता है कि हम शरीर नहीं हैं लेकिन हम किसी तरह से इस शरीर के बंधन में फंसे हुए हैं हमें शरीर धारण करना पड़ता है शरीर हमारे लिए बीमारी है वो बीमारी का लक्षण है क्योंकि शरीर के ही कारण हमें मृत्यु का अनुभव करना पड़ता है शरीर के ही कारण हमें जन्म का अनुभव करना पड़ता है शरीर के ही कारण हमें बीमारी का अनुभव करना पड़ता है ये सब आत्मा के है ही नहीं आत्मा का कोई जन्म मृत्यु ऐसा कोई अनुभव नहीं होना चाहिए नहीं है आत्मा का वास्तव में कोई जन्म मृत्यु नहीं है आत्मा की कोई बीमारी नहीं है <laughs> बुढ़ापा नहीं है लेकिन फिर भी हम सभी अनुभव कर रहे हैं हर रोज अनुभव कर रहे हैं और कितने उससे हम व्यथित होते हैं ये सब शरीर धारण करने के कारण है तो इसलिए भगवत गीता में ये शरीर दोबारा धारण नहीं करना पड़े इसके लिए क्या करना होगा ये बताया ये भगवत गीता का समस्त शास्त्रों का ये केंद्रीय विषय है ये समस्त दर्शन फिलॉसफी का ये विषय है ये ऑब्जर्वेशन कि हम यहाँ पर इस फंसे हुए हैं जन्म मृत्यु के चक्र में और दर्शन मतलब तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम ये सब समझना कि क्यों हो रहा है और समझ करके इसका निवारण करना ये दर्शन का केंद्र तो गीता में स्वयं भगवान श्री कृष्ण इसको बता रहे हैं और समस्त शास्त्रों में उपनिषदों में ये विषय है केंद्र विषय है गीता में सार रूप में उसको बताया गया <laughs> तो इससे पहले ये अट्ठारहवा जो अध्याय है वो उपसंहार उपसंहार मतलब पूरी भगवत गीता में भगवान ने जो सारे विषय कहे अभी उसको दोबारा से उपसंहार दे रहे हैं समराइज कर रहे हैं तो भगवान ने दो श्लोक पहले ये बताया अनिष्टम मिष्टम मिश्रम त्रिविधम कर्म त्रिविधम कर्मण फलम भगव्यागी नाम प्रेत्य न तो नाम क्वचि को। कोई भी हम कर्म करते हैं उसके अनिष्ट इष्ट मिश्र तीन प्रकार के फल बनते हैं अनिष्ट मतलब खराब जो हम नहीं चाहते हैं जो हमें कष्ट देते हैं अनिष्ट होता मतलब है अनिष्ट हुआ दुर्भाग्य अनिष्ट हुआ इष्टम जो हमें प्रसन्नता प्रदान करें सुख प्रदान करें इष्टम और मिश्रम मतलब थोड़ा मिक्स दोनों का मिश्रम मिश्रण मिक्स मिक्स भी शब्द ये मिश्र से ही आए सारी लैंग्वेज में संस्कृत के शब्द हमें देखने को मिलते हैं त्रिविधम ये तीन प्रकार के फल हैं लेकिन हाँ ये होते हैं अत्यागी नाम जो <laughs> कर्म के फलों का त्याग नहीं करता है जो कर्म के फलों अपने जो हम कर्म करते हैं उसके फलों के प्रति जो आसक्त रहता है जो फलों को भोगना चाहता है जो फलों को भोग करके इस भौतिक जगत में सुखी रहना चाहता है उसको ये तीनों प्रकार के फल मिलते हैं अनिष्टम इष्टम मिश्रम लेकिन न तो संन्यासी नाम क्वचित लेकिन जो कर्म फलों में आसक्त नहीं है उसको ये कर्म ये तीन प्रकार के फल उसको नहीं लगते हैं ये इस श्लोक में कहा गया इसके उपरांत अभी भगवान ये समझा रहे हैं कि ऐसा कैसे होता है कि एक व्यक्ति को कर्म के फल बांध रहे हैं और एक व्यक्ति को कर्म के फल नहीं बांध रहे हैं ये कैसे संभव हुआ उसका विज्ञान इन श्लोकों में बता रहे हैं और उनमें से जो आज का हम श्लोक पढ़ रहे हैं वो एक श्लोक है उसको समझाने के लिए पहले भगवान बताते हैं कि पहले कोई भी कर्म को जो भी कोई कार्य होता है वो कैसे सिद्ध होता है कौन कौन से कारक हैं कोई भी कार्य संपन्न करने के पीछे कौन कौन जिम्मेदार हैं पहले इसको समझें किसकी वजह से कोई भी कार्य संपन्न होता है क्योंकि कर्म का फल मिलता है तो जो जिम्मेदार है उसको कर्म का फल मिलता है है ना कौन गुनाह करता है ना कोई कोई गुना होता है तो देखते किसने किया उसको उसका फल मिलेगा जिसने नहीं किया उसको क्यों मिलेगा तो इसलिए कनेक्शन है किसने किया जिम्मेदार कौन है कर्म करने का तो इसलिए पहले बताया कि कौन कौन से कारक हैं कोई भी कर्म करने में कौन कौन जिम्मेदार तत्व हैं है ना पहले उसको समझना पड़े उससे हम समझेंगे फिर आगे कि क्या करने से हम जिम्मेदार बनते हैं और क्या करने से हम जिम्मेदार नहीं बनते हैं यानी कि हमें फल नहीं भुगतने पड़ते हैं जन्म मृत्यु का चक्र नहीं आता है यह है तो कह रहे हैं यहाँ पर भगवान पंचितानी महाबाहो कारणानी निबोध में मुझसे सुनो कि पांच कारक हैं कोई भी कार्य होता है सिद्ध होता है उसके पीछे पांच कारण होते हैं ये पांच मिल करके उस कार्य को कराते हैं अगर ये पांच नहीं होंगे तो वो कार्य नहीं होगा ये पांच के पांच जरूरी हैं कोई भी कार्य को करने के कौन से हैं सबसे पहला है जो आज के श्लोक में हम पढ़ रहे हैं पांच कारण बता रहे हैं कौन कौन से हैं सबसे पहला है अधिष्ठानम ये सबसे पहला है अधिष्ठानम अधिष्ठानम अर्थात स्थान शरीर कर्म जहाँ संपन्न होता है वो स्थान शरीर दूसरा है तथा कर्ता 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 ने कर्म को करण से कोई भी वाक्य व्याकरण में हम पढ़ेंगे तो एक वाक्य के अंदर अलग अलग कारक होते हैं है ना क्योंकि वाक्य में क्या हो रहा है क्रिया कोई भी वाक्य की जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होती है वो क्या होती है क्रिया तो फिर उस क्रिया के आजू बाजू अलग अलग कारक होते हैं क्रिया को करने वाला किसके लिए क्रिया की गई किसके द्वारा क्रिया की गई इस तरह से वो कारक बनते हैं ना। तो उसी प्रकार से कर्ता क्रिया को करने वाला कर्ता तो कर्ता कौन है? है आत्मा अरे प्रकृत क्रियामाणानी गुणी कर्माणी सर्वशा अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता हम इति मन्यते हम तो ये भी सुनते हैं कि प्रकृति के गुण करता है जो सोचता है कि मैं करता हूं वो मूर्ख है यानी कि हम तो करता नहीं है फिर हम कैसे कहेंगे कि करता आत्मा है ये प्रश्न है कि नहीं भगवान तो बताते हैं प्रकृति क्रियामाणानी गुण ही कर्माणी सर्वशा सारे कर्म कौन करा रहा है, है? प्रकृति के गुण करा रहे हैं <laughs> और हम सोचते हैं हम कर रहे हैं इसलिए वो मूर्ता है तो इसका मतलब हम कुछ नहीं कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं कर रहे हैं लेकिन यहां तो बताए कि प्रकृति गुण कर रहे हैं पत्त और फिर एक और भी हम सुनते हैं एक पत्ता भी भगवान की इच्छा के बिना नहीं हिलता है तो जब पत्ता भी नहीं हिलता तो हम कैसे हिलते हैं भगवान की इच्छा के बिना इसलिए फिर एक और करता आ गया कौन आ गया भगवान वही करा रहे हैं सब कई लोग कहते हैं भैया हम कुछ नहीं कर रहे सब वही कराने वाला है अब इसमें गलती नहीं है क्योंकि भगवान तो सर्वोपर ही है उनकी इच्छा के बिना क्या हो सकता है तो फिर ये प्रश्न उठता है तो फिर भगवान ही सब कुछ करा रहे हैं तो सजा हमको क्यों भुगतनी पड़ रही है दुख हमको क्यों भुगतना पड़ रहा है है ना महत्वपूर्ण तो प्रश्न ये है ऐसे छोटे नहीं है बहुत लोगों के अंदर ये कन्फ्यूजन रहता है कि ये सब तो भगवान का ही खेल है ना तो फिर भगवान ही कराने वाले हैं सब कुछ तो वही कराते हैं तो फिर जो आदमी कोई बुरा करता है कोई मर्डर करता है तो वो भी कौन करा रहा है भगवान ही करा रहे हैं अगर भगवान की इच्छा नहीं होती तो आदमी मर्डर कर पाता नहीं कर पाता अभी करा रहे हैं भगवान और फांसी की सजा किसको हो रही है उस आदमी को हो रही है तो ये तो बड़ा इनजस्टिस है कई लोग इसलिए नास्तिक हैं कि भाई तुम्हारी फिलासफी क्या है तुम बोलते हो भगवान सब कराने वाला है तो इस संसार में पाप क्यों है ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है धर्म के सामने जो लोग भी भगवान को मानते हैं नास्तिक लोगों के द्वारा ये प्रश्न किया जाता है कि अगर आप बोलते हैं आपका भगवान सर्वोपरि है सर्वशक्तिशाली है और परम करुणामई है तो फिर संसार में इविल यानी कि पाप क्यों है लोग पाप क्यों करते हैं अगर वो सर्वोपरि है तो फिर वो पाप को रोक सकता है यही तो मतलब हुआ ना सर्वशक्तिशाली का तो रोकता क्यों नहीं अगर रोक सकता है तो तो या तो वो रोक न रोकता रोक नहीं सकता है या तो या तो रोक तो सकता है तो इसका मतलब फिर वो करुणामयी नहीं है वो पाप करने देता है इसका मतलब कोई करुणा नहीं है दोनों चीज साथ में कैसे हो सकती हैं करुणामयी भी है और शक्तिशाली भी है ये कैसे हो सकता है अगर ऐसा होता तो संसार में कोई दुख नहीं होता ऐसा एक तर्क है तो ये सब चीज़ें हमारे भी हमें भी समझनी चाहिए सोचनी समझनी चाहिए क्रिश्चियनिटी और इस्लाम इनके सामने ये प्रश्न सबके सामने है पर वहाँ पर क्या उत्तर है इसका कोई भी बच्चा पैदा होता है कोई होता है कंजेनिटल डिसऑर्डर बोलते हैं जन्म से ही उसको कुछ बड़ी बीमारी होती है तो भगवान ने एक को ऐसा और एक को करोड़पति घर में बड़े अच्छे शरीर में जन्म क्यों दिया ये भी एक बड़ा प्रश्न है ना भाई हम बोलते हैं कर्म अरे अभी तो कर्म शुरू ही नहीं हुआ तो बचपन जन्म ही हुआ, ऐसा हुआ उसका जन्म से अलग हो गया कर्म तो बाद में करेगा बचपन से ऐसा हो गया क्या इसका उत्तर है सब जो क्रिश्चियनिटी है बाकी हैं वो लोग क्या उत्तर देते हैं तो वहाँ पर क्या एक समझ है कि ये जो जीवन है ये भगवान ने एक हमारे लिए परीक्षा के लिए दिया है इसमें परीक्षा ये है जो सुप्रीम जो भी है हम अलग अलग जो भी नाम से उसको पुकारें उसको जो उसको जो भजेगा इबादत करेगा अलग अलग शब्दों में हम जो भी कहें वो परीक्षा में पास और जो नहीं करेगा वो फेल पास होगा तो परिणाम क्या होगा उनके अनुसार हैं जन्नत हाँ वो तो फिर वहाँ क्या होगा उसकी बात है <laughs> <laughs> जन्नत स्वर्ग यस हेवन फिर वहाँ जाके वाइन एंड वीमन क्योंकि ये हेवन हेवनली प्लेजर्स तो और जो नहीं करेगा उसे क्या होगा जहनुम नरक, हेल और ये हमेशा के लिए हो जाएगा हेवन में गए तो हमेशा के लिए और हेल में गए तो हमेशा के लिए तो फिर प्रश्न ये उठता है एक आदमी का एक बच्चे का जन्म ही एक बहुत डिवोटेड क्रिश्चियन फैमिली में हो रहा है और एक आदमी का जन्म एक नास्तिक परिवार में हो रहा है उसको बचपन से ही क्रिश्चियनिटी की बड़ी अच्छी शिक्षा मिल रही है तो उसके लिए ये स्वीकार करना कि गॉड है आसान हो गया और जिसका जन्म नास्तिक परिवार में हुआ उसके लिए मुश्किल हो गया तो भाई टीचर जब एग्ज़ाम देता है तो सबको बराबर अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए ना हर साल सबको बराबर शिक्षा होनी चाहिए तभी एग्ज़ाम लेने का फ़ायदा है अभी टीचर जो है वो कुछ बच्चों को पढ़ाए कुछ को नहीं पढ़ाए और फिर एग्ज़ाम ले तो ये तो अच्छा नहीं माना जाएगा तो प्रश्न ये उठता है तो भगवान परीक्षा सबकी लेते हैं लेकिन परीक्षा में फिर सबको समान अवसर क्यों प्रदान नहीं करते हैं फिर तो वो पार्शल्टी हो गई कुछ लोगों के साथ में इसका क्या उत्तर है तो ये सब प्रश्न हैं जो सैद्धांतिक प्रश्न हैं तो कर्ता कौन ये सब यहाँ पर आकर के टिकते हैं कि आखिर कर्म कौन कराता है कैसे होता है जन्म के ही समय में हमारे जो अलग अलग स्थितियाँ होती हैं वो क्यों मिलती हैं ये सब चीज़ें तो हमारे शास्त्रों के द्वारा उन सब का एक बहुत ही लॉजिकल तर्कसंगत एक उत्तर हमें मिलता है वो उसका आधार है ये कर्म का सिद्धांत इसके आधार पर हम इन सब चीज़ों को का सामंजस्य आसानी से बैठा सकते हैं हुँ? तो वो क्या है कि एक तो ये जीवन हमारा पहला जीवन और अंतिम जीवन नहीं है इस धरातल पर बाकी मेन जो धर्म है उसमें यही माना जाता है कि ये हमारा इस धरातल पर पहला और आखिरी है फिर उसके बाद में क़यामत या जजमेंट डे आएगा और उसके बाद में फिर या तो हेवन या तो हेल हमेशा के लिए खत्म लेकिन हमारे शास्त्र वैदिक शास्त्र क्या कहते हैं वा जीर्णानी यथा विहाय नवानि घृणाति नरोपरानी तथा विहाय जीर्णानी अन्यानी सन्याति नवानी देही हम तो बार बार शरीर बदलते रहते हैं पुराने कपड़े जैसे हम फेंक देते हैं नया कपड़ा ले लेते हैं उसी प्रकार से हम पुराना ये शरीर छोड़ करके एक और शरीर धारण करते हैं तो ये हमारा एक जन्म नहीं है पहला जन्म नहीं है हमारी यात्रा तो कई कई ऐसे जन्मों में चल रही है इसलिए ऐसा नहीं है कि जब बच्चे का जन्म हुआ तो उसका पहली बार जन्म हुआ है इससे पहले भी वो था उसने कर्म किए थे इसलिए वो कर्म के फल उसके साथ आए हैं और वो कर्म फल ही जन्म के ही समय में अलग अलग परिस्थितियां प्रदान करते हैं ये कारण है कि कोई व्यक्ति जन्म से ही ऊंच नीच होती है क्योंकि पहले से ही जीवन चल रहा है कर्म-फल पहले से ही है कर्म पहले से ही बन वो कर रहा है व्यक्ति ठीक <coughs> है ये उत्तर हुआ तो अभी ये कैसे समझेंगे कि जो भी कराने वाला तो भगवान ही है ना भगवान की इच्छा से ही तो सब कुछ होता है तो फिर अगर आदमी कोई जो भी कर्म करता है उसको अल्टीमेटली कराने वाला कौन वो तो भगवान ही है तो फिर उस आत्मा का क्या रोल है क्योंकि दुख और सुख तो किसको भुगतना पड़ता है हमें ही भुगतना पड़ता है ना आत्मा को तो इसलिए ये क्या उत्तर है <laughs> और ये जो भगवद गीता में हम जो पढ़ते हैं कि गुण सब कुछ करा रहे हैं तो तीन हो गए एक तो है या तो गुण सब कुछ करा रहे हैं ऐसा भी श्लोक है सब कुछ गुण करा रहे हैं ऐसा भी श्लोक है या ऐसी भी एक समझ है कि भगवान सब कुछ करा रहे हैं और अभी एक ये भी श्लोक है कि हम भी हम भी करता है तो सच्चाई क्या है ये चीज़ हम समझने का प्रयास आज इस कक्षा में करेंगे और उसको समझ करके हमें क्या लाभ होगा कैसे हमारे जो कर्म बंधन से छुटने का जो हमारा गंतव्य है उसमें ये ज्ञान कैसे हमें मदद करेगा वो हम समझने का प्रयास करेंगे तो आज के श्लोक में बताया कि भाई पांचों की पांचों चीज़ें का अपना अपना योगदान है पांचों के पांचों चीज़ें मिलकर के कर्म हो रहा है कोई एक चीज़ नहीं है पांचों की पांचों चीज़ है तो उसमें सबसे पहला है अधिष्ठानम शरीर अभी ये शरीर जो है वो सजीव है कि निर्जीव है कितने लोग कह रहे हैं सजीव है हाथ उठाइए किसी ने बोला डरिए मत उठाइए किसी ने बोला ना तो अभी डर क्यों बोलिए ना जो भी होगा यहाँ पर आखो आपको मांस दिए जा रहे हैं कोई आपको प्रसाद नहीं मिलेगा ऐसा नहीं होगा शरीर सजीव है कि निर्जीव सजीव है कितने लोग कह रहे हैं ओके okay. शरीर निर्जीव है और जिन्होंने हाथ नहीं उठाया वो तीसरी चीज क्या है मिश्र ये कैसे हुआ सजीव और निर्जीव मिश्र कैसे हुआ तो शरीर जो है वो जड़ पदार्थों का बना हुआ है हम भगवदगीता में क्या पढ़ते हैं शरीर किन पदार्थों का बना हुआ है कौन बताएगा हैं भगवदगीता का कोई श्लोक बता सकते हैं भूमि है भिन्ना प्रकृति राष्ट्र था तो आठ तत्व भगवान बता रहे हैं इनसे ये जो शरीर है वो बना है बाह्य ये जो है स्थूल शरीर और आंतरिक शरीर दोनों मिला करके आठ तत्वों का बना है तो ये भौतिक तत्व हैं भगवान बताते हैं भूमि वायु खम मनोबुद्धिवचा अहंकार इति में भिन्ना प्रकृति ये मेरे से सब भिन्न है ये निर्जीव हैं अपरय इतस्तुन्यम प्रकृतिम विद्धि में पराम जीवभूता महाबाहो येदम धारे जगत एक दूसरी मेरी प्रकृति है जो इससे परा है सुपीरियर है वो है आत्मा ये दम धारित जो इसको धारण करती है जो इस निर्जीव शरीर को धारण करती है वो है आत्मा तो दो चीज़ हो गई एक शरीर जो निर्जीव है जो निर्जीव तत्वों का बना हुआ है और इसको एक है धारण करने वाला वो है सजीव आत्मा इसलिए जो अधिष्ठानम शब्द है उसका भी ये मूल अर्थ है संस्कृत में जाएंगे तो अधिष्ठेति जो शासित होता है वो तो इसका मतलब उसे कोई शासित करता है कौन करता है आत्मा इसलिए उसको अधिष्ठानम कहते हैं इसलिए आत्मा क्या हुआ जो शरीर को अधिष्ठित करता है शरीर के ऊपर शासन करता है उसको कहते हैं वो है आत्मा ठीक है तो शरीर निर्जीव है अभी कार है कार निर्जीव है कि सजीव है निर्जीव है अभी इस कार के अंदर जब ड्राइवर बैठता है तो वो इस कार को शासित करता है कार को चलाता है कार को मोड़ता है कार को रोकता है कौन करता है ड्राइवर तो इसलिए ड्राइवर है इसलिए उसका नाम है ड्राइवर जो ड्राइव करता है जो चलाता है कार को तो उसी प्रकार से आत्मा क्या है वो इस शरीर को चलाने वाली है इसलिए शरीर अधिष्ठानम है और करता है जो शरीर के जो अलग अलग अवयव हैं इंद्रियां हैं प्राण वायु हैं उनके द्वारा आत्मा अपनी इच्छाओं की पूर्ति करने का प्रयास करता है इसलिए आत्मा है जो शासित करता है अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए इच्छाएं होना यह निर्जीव का लक्षण है कि सजीव का लक्षण है सजीव का लक्षण इसलिए इच्छाएं जो है वो मूलतः किसकी होती हैं शरीर की कि आत्मा की मन की कि आत्मा की मन में इच्छाएं मन की इच्छाएं होती हैं कि नहीं होती हैं मनोकामना मन की कामना तो इच्छाएं मन में होती हैं कि में होती है? आत्मा में होती हैं आत्मा में होती हैं फिर फिर से प्रश्न हो गया आत्मा में होती हैं कितने लोग कह रहे हैं आप तो बहुत कम हैं दो ही लोग हैं मन में होती हैं अच्छा तो आत्मा में नहीं होती हैं केवल मन में होती हैं तो फिर आत्मनिर्जीव हुआ फिर आत्मा सजीव कैसे हुआ अगर आत्मा में इच्छाएं होती नहीं है तो आत्मा से है ना। मन, मन है। हाँ इच्छा तो मन करता है इच्छा दर्दार है हाँ तो मन करता है हाँ फीलिंग थिंकिंग फीलिंग एंड फीलिंग हम्म और उसको जो बल देता है वो आत्मा देता है हम्म तो दोनों इच्छाएं करते हैं मन भी और आत्मा लेकिन मन इच्छा तभी कर पाता है जब उसके साथ आत्मा बैठी होती है गीता में तेरव अध्याय में भगवान बताते हैं शरीर का वर्णन करते हैं महाभूताहकारो बुद्धिव्यक्तमेव इंद्रिया दशैक च पंच गोचरा इच्छा द्वेश समुत्थेन इच्छा द्वेश सुखम दुखम संघातना इति क्षेत्रम समासेना सविकारम उदाहृतम ये है शरीर तो उसमें बताते हैं इच्छा द्वेष सुखम दुखम ये भी शरीर के ही भाग हैं तो इच्छा द्वेष मन में होती हैं ये भी होती हैं मन के अंदर भी हैं ये इसलिए मनोकामना इसलिए मन का काम है थिंकिंग फीलिंग विलिंग लेकिन मूल रूप से ये आत्मा में होती हैं आत्मा की भी इच्छाएँ हैं आत्मा की भी इच्छाएँ जब ये मन आत्मा के संदर्भ में तो आत्मा भी तीनों गुणों से प्रभावित होकर उसके अंदर भी इच्छाएं होती हैं जब साथ में आत्मा की इच्छा वो उस पर आरोपित होती है तब अगर उसके अंदर से आत्मा चली आती है तो फिर ये मन इनेक्टिव हो जाता है जैसे मैं बाबा उदाहरण देता हूँ कई बार ये कि हमारे इस मोबाइल फोन होते हैं ना उस मोबाइल फोन में बहुत सारे फंक्शन होते हैं जो सेट के फंक्शन होते हैं मोबाइल सेट के फंक्शन होते हैं वो सिम कार्ड के फंक्शन नहीं होते हैं वो सेट के फंक्शन होते हैं करेक्ट लेकिन बहुत सारे फंक्शन ऐसे होते हैं मोबाइल सेट में जो तभी एक्टिवेट होते हैं जब उसमें सिम होता है सिम के बिना वो फंक्शन एक्टिवेट नहीं होते हैं लेकिन वो फंक्शन पर से किसके हैं सेट के हैं सिम के नहीं हैं लेकिन उनको एक्टिवेट करने के लिए ज़रूरी है ये तो ऐसे ही वो इच्छा जो है वो मन के है कार्य लेकिन वो एक्टिवेट तभी होगा जब आत्मा होगी तो इच्छा तो इच्छा जो है वो मूल रूप से आत्मा ने इच्छा की कि मुझे इस जगत का भोग करना है तो भगवान ने आयोजन किया जब इच्छा की जीव ने ये ये भागवत में पूरा सीक्वेंस बताया जीव ने इच्छा की कृष्णा भूलिया जीव भोगवान करे पाशे माया तारे झपटिया धरे तो क्या है कि जब जीव इच्छा करता है तो वो क्या इच्छा करता है जीव भगवान मुझे आपको भूलना है मुझे आपको भूलना है मुझे आपसे स्वतंत्र होना है स्वतंत्र होना है मतलब भूलना है आपको इसलिए जीव क्या करता है वो भगवान से विमुख हो जाता है भगवान के पीछे चले जाता है क्योंकि उसको भगवान को भूलना है इसलिए भगवान से मुंह मोड़ के भगवान के पीछे चले जाता है भगवान के पीछे कौन है पृष्ठ में माया है वहाँ माया है झपट या धरे झपट लेती है हाँ तो वो जैसे ही जीव लेकिन जीव पीछे कौन सा वाला जीव गया जिसने भगवान को भूलने की इच्छा की तो शुरुआत कहाँ से हुई जीव की इच्छा से आत्मा की इच्छा से शुरुआत हुई भगवान ने शुरुआत नहीं की भगवान ने हमें स्वतंत्रता दी हमने अपनी स्वतंत्र इच्छा शक्ति का दुरुपयोग किया वहां से शुरुआत हुई हमने इच्छा की भगवान हमें आपको भूलना है हम जा रहे हैं आपको छोड़कर है बच्चा मैं जा रहा हूँ घर छोड़कर तो ऐसे हम लोग घर छोड़ के मैंने भगवान को भूल के चले गए तो भगवान को भूल के चले गए मतलब विमुख हो गए पीछे और पीछे है माया शक्ति तो जैसे ही ये इच्छा रखने वाला भगवान को भूलने की और भोग करने की इच्छा करने वाला स्वतंत्र होने की इच्छा करने वाला जीव जैसे ही प्रकृति के संप, संपर्क में निकट आता है तो प्रकृति वहाँ पर <coughs> अभी उसकी इन इच्छाओं को पूर्ति करने के लिए उसको पकड़ लेती है फैसिलिटेट करती है है ना और उसको ये सारे करण शरीर अंतकरण ये सब देती है जिसके द्वारा अभी वो पूरा मोहित हो जाता है या सम्मोहितो जीवो आत्मान त्रिगुणात्मकम परोपी मनुत्यनर्थम तत्कृतम चाभि पद्यते अभी ये जो माया के प्रभाव से जो माया जो सृजित करती है शरीर इत्यादि मन इत्यादि और मिथ्यांकार भी सृजित करती है और उसकी वजह से ये जो आत्मा है जो तीनों गुणों से इसका कोई संबंधी नहीं है माया से इसका कोई वास्तविक संबंधी नहीं है तीनों गुणों से इसका कोई संबंधी नहीं है फिर भी ये उन तीनों गुणों से बने इस शरीर को ये मैं ही हूँ ऐसा मानने लगता है ये माया के प्रभाव में आकर के और इसकी वजह से वो जो अपने को भूल गया और ये शरीर ही मैं हूँ ऐसा मानने लगा तो जो फिर वो माया के वशीभूत होकर के जो शरीर अभी कार्य करता है तीनों गुणों से के द्वारा वो सोचता है ये मैं ही कर रहा हूं इसलिए कहा है प्रकृति क्रियामाणानी गुणी कर्माणी सर्वशा अहंकार विमूण आत्मा करता हम इति मनित ये सोचना कि मैं कर रहा हूं ये कार्य वो गलत है वो कार्य तीनों गुण शरीर में हो रहे हैं वो कार्य मन के द्वारा संपन्न हो रहे हैं मन बुद्धि और ये तीनों गुणों के द्वारा हो रहा है आत्मा का तो तीनों गुणों से कोई संबंध ही नहीं है इसलिए वो कार्य वास्तव में गुण करा रहे हैं तो फिर आत्मा कुछ नहीं कर रहा है नहीं आत्मा ने वो इच्छा की और आत्मा ने अधिष्ठाता आत्मा ने उसको शासित किया ना शरीर को रूल किया ना उसको तो वो कार्य वो कर रहा है वो पर्टिकुलर कार्य जो है वो तीनों गुण करा रहे हैं लेकिन वो जो अधिष्ठान है वो जो शासित करने का कार्य है वो आत्मा कर रहा है इस तरह से आत्मा भी करता हुआ वो जो पर्टिकुलर कार्य है वो पर से आत्मा का कार्य नहीं है वो तीनों गुणों के द्वारा हो मान लीजिए किसी को नींद आ रही है कोई सो रहा है अभी नींद कौन से गुणों के कारण आ रही है शरीर को तमो गुण के कारण अभी वो आत्मा का गुण नहीं है इस तरह से वो उसका काम नहीं है वो शरीर का है लेकिन वो जो शरीर वो जो कार्य कर रहा है सो रहा है इत्यादि वो, क्यों कर, है? वो क्यों, क्यों कर रहा है क्योंकि आत्मा उसमें आकर के बैठा हुआ है तभी तो कर रहा है नहीं तो वो शरीर वो काम क्यों करता ये निर्जीव तत्व तभी तो काम कर रहे हैं क्योंकि इसमें साथ में आत्मा आके बैठा हुआ है कि मुझे बैठना है मुझे भाई कार तो खड़ी हुई है जब ड्राइवर जाके बैठा मुझे जाना है चलना है मुझकी इच्छा हुई तभी कार में जाके बैठा तभी कार चली तो चला कौन ड्राइवर चला क्या ड्राइवर तो बैठा हुआ है ड्राइवर कहाँ चल रहा है पहिए घूम रहे हैं ना ड्राइवर कहाँ चल रहा है ड्राइवर तो बैठा हुआ है तो चल कौन रहा है कार चल रही है लेकिन कार क्यों चल रही है क्योंकि ड्राइवर बैठा है इसलिए ड्राइवर का कर्म क्या हुआ बैठना बैठना मतलब इच्छा करना कि मुझे ड्राइव करना है ये इच्छा अगर उसमें नहीं होती तो कार चलती नहीं तो इसलिए जो ड्राइवर है वो भी कार के चलने के पीछे जिम्मेदार हुआ कि नहीं हुआ हुआ लेकिन अभी कार जो है साठ की स्पीड से चल रही है कि अस्सी की स्पीड से चल रही है कि एक सौ बीस की स्पीड से चल रही है वो ड्राइवर की वजह से नहीं है वो कार के सिस्टम की वजह से अभी वही ड्राइवर यदि ट्रैक्टर के ऊपर बैठ जाए तो वो अस्सी की स्पीड से चल पाएगा नहीं चल पाएगा करेक्ट अभी वो ट्रैक्टर के ऊपर बैठ जाए तो वो जो है दस बीस किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा पाएगा वही ड्राइवर है ना लेकिन जो स्पीड थी वो किसकी वजह से थी अल्टीमेटली वो तो कार का एक फंक्शन है ना ठीक है लेकिन वो फंक्शन कर वर्क कार्य कब किए क्यों किए क्योंकि वो ड्राइवर वहां बैठा है इसलिए इसलिए यहां पर दोनों अधिष्ठानम और कर्ता, आत्मा दोनों ही इन्वॉल्व हैं कार्य करने में इसलिए वेदांत सूत्र में समझाया है प्रभुपात भी इसको उद्धित कर रहे हैं शास्त्र शास्त्र आ, शास्त्रार्थत्वात, सूत्र है ये सूत्र मतलब फॉर्मूला इस एक शब्द के अंदर बहुत कुछ है इस एक सूत्र में क्या कहा है शास्त्रार्थत्वात। शास्त्र का कोई अर्थ है यह सिद्ध करता है कि आत्मा भी करता है आत्मा भी इन्वॉल्व है काम करने में क्या मतलब है इसका शास्त्र का कोई अर्थ है इससे ये कैसे समझ में आया कि आत्मा कर्म करता है इसे कहते हैं सूत्र फॉर्मूला <laughs> अब इसको क्रैक करना पड़ेगा वो क्रैक हम अपनी बुद्धि से नहीं कर सकते वो भगवान बुद्धि देते हैं उससे हम वेदांत तो सूत्र समझते हैं तो शास्त्र में निर्देश दिए हैं ये करो ये मत करना ये करोगे तो ये पाप लगेगा ऐसा करो शास्त्र में निर्देश है ना सब जगह तो वो निर्देश शास्त्र किसके द्वारा दिए गए अंततः भगवान के द्वारा तो भगवान शास्त्रों के द्वारा किसको निर्देश दे रहे हैं ये प्रश्न उठता है अगर माना जाए कि आत्मा कुछ कर ही नहीं रहा है सब कुछ केवल गुण कर रहे हैं तो भगवान क्या गुणों को निर्देश दे रहे हैं गुणों को निर्देश देने से क्या लाभ होगा गुण तो निर्जीव है अब मैं इस माइक को निर्देश दूं कि बोलना मत आवाज मत निकालना <laughs> माइक क्या करेगा माइक के हाथ में कोई शक्ति नहीं मात माइक की कोई चेतना नहीं है तो निर्जीव चीज को निर्देश देने से कोई लाभ थोड़ा होता है तो भगवान निर्जीव तीनों गुणों को तो कोई निर्देश दे नहीं सकते हैं ठीक है <olan> तो अगर मान लिया जाए कि भगवान ही सब कुछ करते हैं। तो फिर जब भगवान कह रहे हैं ये मत करना तो भगवान के अपने को निर्देश दे रहे हैं <laughs> इसका भी कोई अर्थ नहीं निकलता है अपने को भगवान क्यों निर्देश देंगे कोई आदमी अपने को तो निर्देश देता है पागल होते हैं बोलते हैं अरे तुम मत करना ऐसे पागल होते हैं बोलते, है बोलते हैं अपने को ही उसको पागल बोलते हैं हम लोग अपने को निर्देश देते रहते ना वो लोग आगे मत बढ़ना ऐसे बोलते रहते हैं ना वो लोग तो ऐसे तो पागल ही बोलता है तो ऐसा भी नहीं हो सकता तो इसलिए जो ये आत्मा है जो सजीव है उसी को ही निर्देश दिए होंगे तो शास्त्र का अर्थ तभी सफल होता है जब आत्मा करता है तब इसलिए वो सिद्ध होता है इस बात से कि शास्त्र का क्योंकि एक अर्थ है शास्त्र का एक पर्पस है शास्त्र का एक प्रयोजन है ये सिद्ध करता है कि आत्मा करता एक करता होना चाहिए ये तर्क है इसको न्याय कहते हैं ऐसा हमारे शास्त्रों में इस प्रकार से गहराई में दर्शन दिया हुआ है मजाक नहीं है कि ऐसे कुछ भी बस बिलीव कई जगह पे क्या है जस्ट बिलीव केवल विश्वास करो बस ऐसा नहीं है शास्त्रों में हर चीज़ को समझाया पूरा उसको न्याय कहते हैं न्याय तर्क संगत क्यों कैसे है हम आप प्रश्न कर सकते हैं इंटेलिजेंटली सोच सकते ऐसा क्यों लेकिन बाकी कई जगह में प्रश्न नहीं कर सकते बस लिखा है ऐसा है तो है दैट्स इट फिनिश तो तो इस तरह से अधिष्ठानम भी है शरीर भी है क्योंकि शरीर भी कार्य कर रहा है ना आत्मा जो है वो शरीर के माध्यम से कार्य कर तो शरीर भी उसमें इन्वॉल्व है आत्मा भी इन्वॉल्व है फिर आगे आया कर्णम करणम क्या है इंद्रिया शरीर एक जनरल हो गया और उसके अंदर जो विशेष कर्ण आँखें ये सब जो हैं वो इंद्रियां हैं इंद्रियों के माध्यम से ये जो करता है अपनी इच्छाओं की पूर्ति करने का प्रयास करता है तो ये इंद्रियां भी उसमें एक आ, इनका योगदान हो गया फिर उसके बाद हास्य पृथक चेष्टा चेष्टा क्या है चेष्टा है हमारी प्राण प्राण वायु अलग अलग प्रकार की वायु हैं जिनसे ये इंद्रियां संचालित होती हैं समस्त तो उसको कहते हैं वो चेष्टा है अभी इन सब चीजों में अधिष्ठानम कर्ता करणम चेष्टा इसमें से निर्जीव कितने हैं और सजीव कितने हैं अधिष्ठानम निर्जीव करणम निर्जीव, निर्जीव, निर्जीव चेष्टा निर्जीव, निर्जीव सजीव कौन कर्ता एक सजीव चार में से फिर पांचवा क्या बताया दैवम चैवात्र पंचम पांचवा जो करता है वो है परमात्मा भगवान हुँ? वो सजीव है कि निर्जीव सजीव वो चेतना युक्त है ना हाँ? तो पांच में से कितने निर्जीव हुए कितने सजीव दो सजीव तीन निर्जीव ठीक है अभी कार में एक आदमी बैठा हुआ है कार चल रही है और उस कार से एक्सीडेंट हो जाता है तो सजा किसको मिलनी चाहिए कार को कि ड्राइवर को कार को सजा नहीं मिलती है करेक्ट भले ही कार भी उस एक्सीडेंट के होने में कारण है अल्टीमेटली तो टक्कर तो कार से ही हुई कार ने ही उस आदमी को टक्कर दी तो कार भी उसके अंदर इन्वॉल्व है एक्सीडेंट में लेकिन जब जिम्मेदारी की बात आती है तब जिम्मेदारी कार की नहीं मानी जाएगी क्योंकि कार निर्जीव है कभी भी निर्जीव चीज की कोई जिम्मेदारी नहीं हो सकती क्योंकि निर्जीव चीज के अंदर कोई इच्छा शक्ति नहीं है जिम्मेदारी तो केवल जिसकी इच्छा है उसकी होती है, तो अब इनमें से किस किस की जिम्मेदारी आएगी पांच में से कर्ता और दैव दो ही हैं तो अभी यहां पर प्रश्न अटका किसको जिम्मेदार ठहराया जाए क्यों भगवान को नहीं अभी एक और चीज भगवान ही इसमें से परम करता है इन पांचों में से सबसे इंपॉर्टेंट कौन है वो भगवान इसलिए कहा है कि भगवान की इच्छा से पत्ता भी नहीं हिलता इसका मतलब यह नहीं है कि हम कुछ नहीं कर रहे हैं हम ये जगत में आना चाहते थे भोग करना चाहते थे इसलिए भगवान ने पत्ते बनाए जिसको भगवान हिलाते हैं <laughs> नहीं तो भगवान को ये पत्ते बनाने की जरूरत नहीं थी ये हमारे लिए बनाया ये जगत हमारे लिए बनाया है ना तो आ, लेकिन सबसे परम करता है भगवान बाकी सब चीज़ें प्रयास कुछ भी चाहेंगे तो भी जब तक भगवान नहीं चाहेंगे तब तक कोई कुछ नहीं कर सकता है इसलिए सभी में सबसे बड़े जो महत्वपूर्ण कारक हैं सबसे बड़े कारक वो हैं भगवान इसलिए कहा है कि सब कुछ भगवान की अनुमति से ही होता है है ना उपद्रष्टानुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वरा मैं ही हर चीज का उपद्रष्टा हूँ अनुमंता हूँ लेकिन जो सुख और दुख का जो अनुभव है कोई भी कर्म को करने के पीछे जो फल बन रहा है सुख दुःख वो किसको मिलेगा आत्मा को मिलेगा कि परमात्मा को मिलेगा आत्मा को मिलेगा क्यों परमात्मा को नहीं मिलेगा हाँ क्योंकि हाँ देखने वाले है। क्योंकि अल्टीमेटली जो पूरा आयोजन भगवान ने किया क्यों किया आत्मा की इच्छा थी इसलिए किया ना भगवान की अपनी कोई इच्छा नहीं थी इस जगत को बनाने में कि मुझे उनको कुछ मिलने वाला था इससे भगवान को इससे कुछ नहीं मिलने वाला है भगवान तो आत्मा राम है भगवान को ये सब बना के अपना कुछ स्वार्थ नहीं है भगवान कहते हैं भगवद गीता में नमक नमक नमे कर्माणी लिम्पन नमे कर्म फले स्प्रिहा इन कर्म के फलों की मुझे कोई स्प्रिया नहीं है नानवाप्तव अवाप्तव्यम मेरे लिए इस जगत में प्राप्त करने योग्य कुछ नहीं है तो भगवान को इस संसार से प्राप्त करने योग्य कुछ नहीं सुख दुख ये जंग संसार के भगवान के लिए नहीं है भगवान इससे आसक्त नहीं है इसीलिए ये जो जगत जो भगवान बनाते हैं ये पूरा अरेंजमेंट वो तो जीव की इच्छा के कारण ही भगवान ने बनाया है इसलिए सुख दुख का जिम्मेदार कौन जीव ना कि भगवान भले ही उस जीव के सुख दुख के जो भी आ, आ, अन्य अन्य कारण है शरीर है परिस्थितियाँ हैं वो सब भगवान ने ही उसको व्यवस्था की लेकिन जो सुख दुख है उसका जिम्मेदार है जीव क्योंकि जीव ने इच्छा की है इसीलिए वो सुख दुख उसी को ही भुगतना इसलिए पुरुषा सुख दुखा भोगतृत्व कारणम उच्यते इसलिए सुख दुख भोगने के पीछे जिम्मेदार वो है उसी को भुगतना पड़ता है इसलिए भगवान कहते हैं न दत्ते कसचिद पापम न चुकृतम विभुम अज्ञान आवृतम ज्ञानम तेन मुह्यंती जंतव मैं किसी के पाप और कर्म को कराने वाला नहीं हूँ एक तरीके से भगवान ही करा रहे हैं क्योंकि भगवान के बिना कोई भी चीज़ हो नहीं सकती है कोई आदमी को अगर किसी को गुनाह भी करना है मर्डर भी करना है तो भी जब तक भगवान उसको अनुमति नहीं देंगे उसको उस प्रकार की बुद्धि नहीं देंगे उसको उस प्रकार का शरीर नहीं देंगे उस प्रकार की परिस्थितियाँ नहीं देंगे तब तक वो आदमी वो गलत काम भी नहीं कर सकता है लेकिन भगवान ने वो सारी चीज़ें दी क्योंकि जीव की ऐसी इच्छा थी इसलिए भगवान ने उस सारे आयोजन को दिया इसलिए भगवान उसके पीछे जिम्मेदार नहीं जैसे एक जज होता है अभी किसी आदमी को सजा मिलती है तो जज के ही तो कारण मिलती है लेकिन जज उसका ज़िम्मेदार नहीं है ज़िम्मेदार है वो कैदी करेक्ट तो इस तरह से हम इसको समझते हैं समझ सकते हैं कि कैसे भगवान सब कुछ करने वाला भी है लेकिन जिम्मेदार हम हैं क्योंकि हमारी इच्छा है इसलिए सारा जो खेल है वो किसका है वो हमारी इच्छा का है हमारी इच्छाओं के कारण ही हम इस बहुत ही जगत में बंधे हैं सुख दुख के अनुभव कर रहे हैं यही कारण है इसलिए आध्यात्मिक जीवन का मतलब अपनी इच्छाओं को शुद्ध करना इच्छाएं को ख़त्म नहीं कर सकते हैं खत्म करना भी नहीं है क्योंकि वो सजीव हैं हम लेकिन हमारी स्वाभाविक स्थिति जो है वास्तविक स्थिति जो है वो है कि हम भगवान के दास हैं इसलिए हमारी इच्छा क्या होनी चाहिए भगवान की सेवा करना यही हमारी इच्छा होनी चाहिए गलत इच्छा किसे कहते हैं इस इच्छा के अलावा जितनी भी इच्छाएं हैं वो सब गलत इच्छा हैं। वो सब हमारे स्वभाव के विपरीत हैं वही हमारे इस भौतिक जगत में बने रहने का कारण है इसलिए आध्यात्मिक जीवन का मतलब है अपनी इच्छाओं को शुद्ध करना और इच्छाओं को शुद्ध करने का अर्थ है भोग करने की इच्छाओं को भगवान की सेवा करने की इच्छा में परिणित करना उसी के लिए हम ये सब कुछ कर रहे हैं श्रवण कीर्तन सेवा ये सब के पीछे उद्देश्य यही है कि हमारी चिरकाल से जो सेवा के अलावा भगवान की सेवा के अलावा जो सारी इच्छाएँ वो सब धीर धीरे धीरे खत्म हो जाएं और यही एकमात्र इच्छा रह जाए कि हम भगवान की सेवा करें और उसमें अपनी कुछ नहीं होनी चाहिए इच्छा है ना वो सब अनर्थ वो सब उसको अनर्थ कहते हैं तो तो जब हम ये समझ लेते हैं कि ये पाँच करता हैं सबका क्या क्या योगदान है हम अपनी गलत इच्छा करने से यहाँ फंसे हुए हैं हमें अभी भगवान की सेवा करनी है भगवान की इच्छा क्या है वो जानना है और उसके अनुसार अपनी इच्छाओं को ढालना है हमारी इच्छा और भगवान की इच्छा एक हो जानी चाहिए हम अभी क्या कहते हैं भगवान आप मेरी इच्छा को समझो और आप मेरी इच्छा को अपनी इच्छा बनाओ ये है हम लोग जो अभी अवस्था में कर रहे हैं मन्नत मांगने का यही मतलब है भगवान जैसे अर्जुन ने भी शुरू में यही ना भगवान आप समझो मुझे क्या चाहिए आप अपनी मेरी इच्छा को अपनी इच्छा बनाओ लेकिन वास्तव में क्या होना चाहिए भगवान की इच्छा को हमें अपनी इच्छा बना हमें हमें जानने का प्रयास करना चाहिए कि भगवान की इच्छा क्या है भगवान हमसे क्या चाहते हैं भगवान कैसे संतुष्ट होंगे भगवान को क्या चाहिए भगवान को एक तरीके से कुछ नहीं चाहिए लेकिन भगवान को क्या चाहिए भगवान को चाहिए कि हम प्रेमयी भगवान की सेवा करें प्रेम का संबंध है ये भगवान को चाहिए ये भगवान के आनंद का वर्धन करता है और ऐसा करने से स्वाभाविक रूप से हम भी आनंदित रहते हैं क्योंकि हम भगवान की सेवा करना ही हमारा स्वाभाविक गुण है तो इस तरह से ये जब हम पांचों कर्ताओं को समझेंगे तो हम जब अपने को अलग कर्ता मान लेते हैं इसलिए भगवदगीता में इससे आगे के श्लोक में क्या बताया कि तत्र सती कर्तारम आत्मान केवलम तो यह पश्चति अकृत बुद्धित्वा न स पश्च्यति दुर्मति ही दुर्मति ही बेवकूफ मूर्ख कौन है जो केवल आत्मा को ही अपने को ही कर्ता मानता है वो मूर्ख है तो इसलिए वहाँ पर जो बताया प्रकृति क्रिया माएँ तो बताया कि पांचों के पांचों चीज़ें हैं केवल ये सोचना कि हम ही करता है वो गलत है हम भी उसमें से एक हैं और हमारा योगदान है और वो बहुत महत्वपूर्ण है वो योगदान भी आ... ना लेकिन ना उस योगदान को हमें बदलना है इसमें कि हम अभी इच्छा तो करेंगे कर्ता हम रहेंगे लेकिन अभी हम कर्ता क्या रहेंगे भगवान की इच्छा को पूरी करने वाले कर्ता भगवान की इच्छा को पूरी करने की इच्छा करने वाले और उसके अनुसार प्रयास करने वाले वो हमें करना है ठीक है तो इस तरह से ये जो पूरा भक्ति पथ है जो हम सेवा के ऊपर इतना बल देते हैं है ना वो इसीलिए है कि जिससे हमारी सेवा की इच्छा उत्पन्न हो जाए पहले शुरू शुरू में क्या होता है जब हम नए नए आते हैं तो हमें सेवा जो है एक बर्डन लगता है है ना कई बार हम भक्त लोग सेवा से बचना भी चाहते हैं प्रभु जी आगे अभी सेवा देंगे भागो यहाँ से बहाने बनाते हैं ये है हमारी बीमारी के लक्षण है ना और जब हमें ऐसा हो जाए कि हमें उत्सुकता हो और सेवा करें और सेवा करें ना? और पूरी सही समझ से सही भावना से करें है ना क्योंकि कई बार सेवा करने में आनंद उसमें अपना आनंद भी जुड़ जाता है है ना अन्य हेतु से हम सेवा कर रहे हैं सेवा तो कर रहे हैं सेवा में बहुत मन है, लेकिन कृष्ण की संतुष्टि के लिए नहीं या मिक्स मिश्रण कुछ कृष्ण की संतुष्टि के लिए कुछ अपनी संतुष्टि है दोनों मिश्रित भी आती हैं इसलिए नियमित श्रवण करना भी ज़रूरी है केवल सेवा सेवा करने से भी काम नहीं चलेगा क्यों अंत में तो केवल सेवा ही करनी है उसमें अपने आप साथ में श्रवण कीर्तन होता रहता है जैसे व्रज धाम में होता है लेकिन अभी हमें अलग से ढंग से बैठ करके श्रवण करने की भी जरूरत है जिससे हम सेवा सही से कर पाए सही मनोभाव से कर पाए तो इसलिए ये सब साथ चलना चाहिए श्रवण कीर्तन सेवा मतलब कीर्तन तो श्रवण और कीर्तन दोनों चलना चाहिए ठीक है ऐसे नियमित रूप से करते रहने से धीरे धीरे हमारी इच्छाएं शुद्ध होंगी और शुद्ध इच्छा से जो सेवा होगी वो कृष्ण को संतुष्ट करे हरे कृष्ण कोई प्रश्न किसी का है तो पूछ सकते तो ये मन अहंकार सूक्ष्म शरीर है और जब तक हम ये सूक्ष्म शरीर शरीर से छूटेंगे नहीं नहीं होंगे तब तक हम भगवत नहीं जा सकते शुद्ध तो प्रभुपाद लिखते हैं कि आ, आ, जो मन बुद्धि अहंकार हम जो अभी अहंकार है वो फॉल्स ही को है झूठा अहंकार है और हमारा सही अहंकार है जीवे स्वरूप कृष्ण नित्य दास तो अहंकार मन और बुद्धि वो आत्मा के भी लक्षण आत्मा के भी गुण है ना मन जो शुद्ध मन आत्मा का हो तो होगा जैसा आप बताए तो मतलब आत्मा को भी मन बुद्धि अहंकार ये तो रहता ही है ना सिर्फ हम्म वी आर प्यूरिफाइंग दिस फॉल्स ईगो एंड हम्म जी uh, एक प्रश्न है कि मतलब प्रश्न क्या एक वो है टिप्पणी है कि <laughs> जो मन बुद्धि अहंकार है वो एक तो भौतिक है लेकिन आत्मा के अंदर भी तो है ना ये मन बुद्धि अहंकार मिथ्या अहंकार नहीं है सही अहंकार है तो वो मिलाकर के आत्मा कहते हैं मन बुद्धि इंद्रियां दिव्य इंद्रियां और सही अहंकार वो मिला कर के आत्मा कहते हैं तो इसलिए आ, आ, हमें वो जो आ, उसके जो भौतिक गुण हैं मन के जिनके लिए वो भगवान की इच्छा के अलावा अन्य इच्छाएं कर रहा है उसको शुद्ध करने से जो आत्मा की वास्तविक इच्छा है उसी के अनुसार फिर मन इच्छा करने लगता है भौतिक मन तो फिर वो एक हो जाता है अभी मन सोया हुआ है बेसिक इच्छा तो कर ही रहा है मुझे भोग करना है वो तो उसका ही एक्टिव प्रिंसिपल बाकी उसकी जो डिटेल है फिर क्या इच्छा करनी है रसगुल्ला खाना है कि ये खाना है वो फिर मन करता है भोग करना ये आत्मा ने कर लिया अभी भोग के जो अलग अलग वैरायटी है एग्जैक्टली कौन से वाला भोग वो डिटेल उसको फिर वो मन बना के देता है उसकी रेसिपी तो ये चीजें मन जब शुद्ध हो जाएगा और शुद्ध हो जाएगा मतलब आत्मा जगेगी तभी मन शुद्ध होगा जब आत्मा जग जाएगी मतलब आत्मा का अपना जो मन है वो अभी एक्टिव हो गया और आत्मा का अपना मन एक्टिव हो गया मतलब भगवान की सेवा करने की इच्छा तो अभी फिर ये जो भौतिक मन है ये उसी के अनुसार चल रहेगा तो इसमें फिर अपनी इच्छाएं नहीं रह जाएंगी इसके अंदर भी भगवान की सेवा की इच्छाएँ ही, ही मुड़ेंगी तो फिर अभी कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं रह जाएगा फिर वो युद्ध नहीं होगा संघर्ष नहीं होगा अभी हमारे साथ युद्ध होता है हम करना कुछ चाहते हैं लेकिन मन कुछ और बोलता है तो फिर वो युद्ध नहीं होगा संघर्ष नहीं होगा फिर आत्मा जो चाहेगी मन भी वही चाहेगा तो बड़ा आराम से सेवा होगी फिर ना? ये है ना यही कह रहे हैं ना जी हाँ एक मिनट हाँ जी उसमें दुख क्यों मिलता है तो उन्हें बताया प्रश्न है कि भगवान ने हमने भोग करना चाहा और भगवान ने ये दुनिया बनाई तो उसमें हमें दुख क्यों मिलता है हमें कार चलाने की इच्छा हुई गवर्नमेंट ने रोड बनाई और ट्रैफिक के रूल रूल बनाए तो एक्सीडेंट क्यों होता है हमें आ, अलग अलग ट्रैफिक के नोटिस क्यों आते हैं तो कोई भी चीज़ जब भोग करने के लिए बनाई जाती है तो भोग करने के लिए ज़रूरी है नियम बनाना नहीं तो नियम के बिना कोई भोग नहीं कर सकता है ना सबको कार चलानी है पर नियम बनाने पड़ेंगे ना भाई कार चलानी है देखो कीप टू द लेफ्ट नहीं तो भोग करने कैसे करेंगे भोग नियम बनाने पड़ेंगे जहाँ नियम बने वहाँ नियम टूटने पर दंड भी मिलेगा तो ये जो भोग करना है उसी के साथ में दंड साथ में मिला हुआ ही है ये दोनों भाई भाई हैं एक ही सिक्के के दो पहलू हैं आपको भोग करना है बहुत ही दंड भी मिलेगा इसको द्वंद्व कहते हैं तो इसलिए यही तो माया है हम सोचते हैं अरे हमें तो भोग चाहिए भोग चाहिए माया बोलती हाँ केवल भोग दूंगी चिंता मत करो आ जाओ और फिर त्रिशूल <laughs> यस <laughs> इच्छा क्यों होती है अलग होने की इच्छा क्यों होती है क्योंकि इच्छा भगवान बनने की इच्छा होती है क्योंकि वो भगवान तो है नहीं ठीक है तो मैं भगवान नहीं हूँ क्यों ना मैं भगवान बनूं भगवान बन के देखना चाहिए क्या होता है <laughs> भगवान के संग में है तो इच्छा शक्ति का मतलब ही है कि उसमें इच्छाएं आ सकती हैं अभी वो भगवान के संग में है लेकिन भगवान तो नहीं है ठीक है भगवान का सेवक है तो ऐसी इच्छाओं की संभावना तो है इच्छा का मतलब ही है कि कुछ संभावना अलग अलग कुछ भी इच्छा कर सकता है स्वतंत्रता है ऐसा उसको रोक तो नहीं सकते हैं है ना तो <laughs> सामान्यतया जब जीव आध्यात्मिक जगत में एक्टिव सेवा नहीं करता है आध्यात्मिक जगत में भी अलग अलग शांत अलग अलग भाव होते हैं तो उसमें जो शांत भाव में हैं वहाँ एक्टिव सेवा नहीं करते हैं तो वहाँ पर ये ज़्यादा चांस रहता है क्योंकि एक्टिव सेवा नहीं है इसलिए उनके अंदर ये भगवान बनने की इच्छा आसानी से आती है लेकिन वो इच्छा शक्ति है उसका दुरुपयोग करने की संभावना हमेशा से है लेकिन जो लोग भगवान के एक्टिव से प्रेम में बहुत सन रहते हैं उसमें जनरली वो चांसेस नहीं रहते हैं लेकिन कभी घमंड भी हो सकता है स्वतंत्र दुरुपयोग कभी हो सकता है इसलिए हमेशा सजग तो रहना पड़ेगा हम ऐसा नहीं कि हम बस आराम से बिल्कुल निश्चिंत हो जाए क्योंकि इच्छा शक्ति है वो कहीं भी इधर उधर तो हो सकती है इसलिए वो संभावना तो है गोलोक धाम में ही तो हम थे हाँ तो तो हाँ हाँ नहीं नहीं बोलिए पहले आपके हाथ में है विचार करना कि नहीं करना माया जबरदस्ती नहीं करेगी आपको माया है ही नहीं आप माया के चंगुल में नहीं है आप वहाँ पर तो माया विवश नहीं करेगी आपको विचार करने की आप सोचिए आपको विचार करना है कि नहीं करना है अगर आपको विचार नहीं करना है तो नहीं करना है ये तो आपके हाथ में है अब मैं कहूँ कल को मेरी गुलाब जामुन मैं अभी यहाँ पर तो इस बहुत ही क्या होता है कि हमारी इच्छाएं के साथ साथ वासनाएं भी होती हैं जो हमें इच्छाएं हमारी उमड़ा देती हैं आध्यात्मिक जगत में वासनाएं नहीं होती हैं जो है वो हमारे हाथ में है कोई और एक्स्ट्रा फैक्टर नहीं है वहाँ इंस्टिकेट करने के लिए ठीक है हमें यहाँ डर क्यों लगता है क्योंकि हम देखते हैं जैसे अर्जुन बोलते हैं अनिच्छण पिवाषण है, बलादीवान हो जीता बिना हम चाह रहे हैं नहीं चाह रहे हैं फिर भी मन में इच्छाएँ आ रही हैं हमारे वश के बिना आध्यात्मिक जगत में ऐसा नहीं होता है वहाँ कोई वासना ही नहीं है लेकिन हमारी इच्छाएं तो वो आपके हाथ आप में है बिल्कुल कंट्रोल आप इच्छा नहीं करेंगे नहीं करेंगे तो आपको सोचना है कि भाई हम ये बहुत ही जगत में बहुत खा चुके डंडे अभी भगवान की सेवा ही करनी हो नहीं करनी बस आपका ये विचार रहेगा तो रहेगा आपके हाथ में वो विचार आप करते रहिए दैट्स इट माया नहीं है वहाँ आपको दूसरा कोई विचार डालने के लिए वो आपके ही हाथ में तो अगर हम समझ गए अभी कि हमने गलती की है इसको दोबारा नहीं करेंगे तो मत कीजिए प्रभाव देते हैं पंखा जो है वो चल रहा है चल रहा है एक बच्चा जो है वो हाथ उसमें डालने की को कोशिश उसकी इच्छा है पिताजी मना कर रहे हैं नहीं मान रहा है तो वो उसको स्लो कर देते हैं धीरे कर देते हैं अभी बोलते हैं अभी डालो तो डालता है तो झटका लगता है तो अभी ये झटका लगा अभी नहीं करना है तो ऐसे ही हम आ गए यहाँ पर एक बार तो समझ लिया अभी नहीं करना है बस नहीं करना है ये हमारी इच्छा है हमारे हाथ में है नहीं करेंगे मतलब ये स्मरण रहेगा कि हम लोग इतना भयंकर परिस्थिति <coughs> से गुजर के आए हैं इच्छा नहीं करेंगे वो भी एक है ना भी? हाँ मतलब वो सब चीज़ें जो है वो हम हाँ, चेतना का ही भाग है वो हमें मतलब पता चल गया कि यार हमने एक बार किया जैसे आदमी गलती किया अभी उसको भले ही उसका पूरा एग्जैक्ट हर सब चीज दुख वो सब एकदम से वो ये नहीं है उसको पता अभी ये नहीं करना है बस ये ये तो मुझे पता है है नहीं करना है काम लाइक यद गतवान अनिवर्तन थे तद धाम उसका उसका एक और भी है ये जो पूरा भगवद्गीता में जो संदर्भ चल रहा है वो चल रहा है पुण्य कर्म वर्सेस भक्ति ठीक है आप देखें वहाँ पर जो पूरा कंपैरिजन चल रहा है क्षीणे पुण्य मृत्यलोकम विशंति कर्म करने से स्वर्ग जाते हैं और फिर जब कर्म के फल खत्म हो जाते हैं तो वापस आते हैं उस वहाँ पर पूरी जगह पर यह चल रहा है कि दोनों में अंतर क्या है पुण्य कर्म में और इसमें तो जो पुण्य कर्म करके ऊपर जाता है उसको तो निश्चित रूप से विवश होकर के आना पड़ता है लेकिन जो मेरे धाम आता है उसको इस प्रकार से विवश होकर के नहीं आना पड़ता है क्योंकि वो कर्म फल के द्वारा आप स्वर्ग जाते हैं कर्म फल के द्वारा आप भगवत धाम नहीं जाते हैं भगवत धाम तो आप भक्ति से जाते हैं कर्म फल से नहीं जाते हैं स्वर्ग आप कर्म फल से आते हैं इसलिए कर्म फल जब खत्म हो गए तो वापस आना ही पड़ता है लेकिन यहाँ पर तो आप भगवत प्रेम प्राप्त करके जाते हैं कर्म फल से नहीं जाते हैं तो इसलिए कर्मफल का संबंध ही नहीं है इसलिए आपको मेरे दाम में आने के बाद में आपको विवश नहीं होना पड़ेगा आने के लिए जैसे स्वर्ग में जाने के बाद आपको विवश होना पड़ेगा आने के लिए उसका ये तात्पर्य है उसका ये तात्पर्य नहीं है हमारी इच्छा से हम कभी आना चाहें तो भगवान कभी भी हमारी इच्छा का अतिक्रमण कभी नहीं करते हैं क्योंकि प्रेम है ना हमारा भगवान के साथ अगर अतिक्रमण कर देंगे तो फिर हम भगवान से प्रेम कैसे करेंगे इसलिए वो भगवान हमारी स्वतंत्र इच्छा शक्ति को ख़त्म नहीं करते हैं कभी भी भगवान तो हमेशा तुम्हें जाना जाओ दोबारा जाओ त्योबारे जाओ जितनी बार जाना है जाओ है ना वो इच्छा हमारे पास है हमेशा लेकिन हमें समझ लेना है भगवान अभी दोबारा तो नहीं करेंगे अभी ये हमें समझ लेना है तो उसका यह अर्थ है विवश होके नहीं आना पड़ेगा कर्म फल से बंधने के कारण नहीं आना पड़ेगा ठीक है ना भगवान क्यों प्रेरणा नहीं देते कि एक मिनट एक मिनट एक मिनट तीन गुण नहीं रहते नहीं 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 सूक्ष्म शरीर आध्यात्मिक जगत में नहीं रहता है, तो है नहीं। आत्मा के अंदर इच्छा शक्ति है ना तो इच्छा, इच्छा शक्ति हमेशा कर इच्छा तो इच्छा ही है हमेशा कर आपके हाथ में है तो आपकी इच्छा है ना इच्छा शक्ति आपकी है भगवान ने आपको दी है वो इच्छा शक्ति जब आपकी इच्छा शक्ति है तो इच्छा शक्ति का अर्थ ही तो यह है कि इच्छा कर सकते हैं ऐसी कैसी इच्छा शक्ति जिसमें इच्छा ही नहीं कर सकते फिर वो इच्छा शक्ति क्या हुई फिर वो स्वतंत्रता क्या हुई है ना? क्योंकि प्रेम भी तो करना है कोई इच्छा से ऐसा थोड़ा ना कि मशीन रोबोट की तरह भगवान ने चाबी घुमाई आरती करने लगे है ख़त्म हो गई आरती खत्म हो गई तो ऐसे भगवान को रोबोट होना चाहिए भगवान को तो जीवित स्वतंत्र इच्छा शक्ति वाले लोग चाहिए जो उनसे प्रेम कर सकें ठीक है ना ठीक है समय है इंद्रियुक्ति के लिए कीर्तन करतेवा करते हैं करते, करते। तो हमें ये कैसे बताते हैं फॉर एग्जाम्पल आप लोग कीर्तन में रहते हैं तो कीर्तन का जो कर्ता हम बुदेंगे उसका म्यूजिक हमें अच्छा लगता है तो वो हमारी इंद्रिय तुप्टि के, हम के, हम के लिए हम करें कि हम भगवान की संतुष्टि के लिए करें भगवान की इंद्रिय को संशिष्ट करके हम कैसे जज कर सकते हैं हमें कैसे बदस हमारी इंद्रिय संतुष्टि के कर लेके भगवान की प्रश्न ये है कि कोई भी हम सेवा करते हैं तो हमें हमने ये देखा कि हमें अपनी इंद्रियों को संतुष्ट करने के लिए वो नहीं करना है भगवान की इंद्रियों को संतुष्ट करने के लिए करना है तो ये हमें कैसे पता चलेगा कि हम किसकी संतुष्टि के लिए कर रहे हैं आप जॉब जाते हैं जॉब पे पैसा कमाते हैं आप जो बॉस है उसकी संतुष्टि के लिए पैसा कमाते हैं या आप अपने परिवारजनों और आपकी संतुष्टि के लिए पैसा कमाते हैं ये आपको पता चल जाता है करेक्ट <laughs> तो उसी प्रकार से हम कोई भी कार्य करते हैं उसमें हम ये समझ तो सकते हैं ना कि भाई वो कार्य करने के पीछे हमारी प्रेरणा क्या है हम ये कर क्यों रहे प्रेरणा क्या मिल रही है हमें तो अगर हमें उस म्यूज़िक का आनंद हमें प्रेरित कर रहा है कीर्तन करने के लिए कि वाह क्या सुर है आनंद आ गया तो वो किसके आनंद के लिए हम कर रहे हैं अपने आनंद के लिए लेकिन ये सुर है जो भगवान को प्रसन्न है शास्त्रों में दिया है इसलिए इसको ऐसे गाना चाहिए जिससे कि भगवान क्योंकि हमें पता है भगवान को यह पसंद है इसलिए हम ये गा रहे हैं अभी मान लीजिए हम ये परवाही नहीं करें कौन सा सुर शास्त्र में लिखा है हम तो अपना हमें जो अच्छा लगता है भाई हमें डिस्को अच्छा लगता है हम तो डिस्को करेंगे है ना हमें तो ये बहन को अच्छा लगता है हम तो ये बजाएंगे अभी भगवान को क्या अच्छा लगता है वो हमें ध्यान ही नहीं दिया उसके लिए प्रयास ही नहीं कर रहे हम जानने का शास्त्र में क्या लिखा है भगवान को क्या पसंद है वो नहीं प्रयास कर रहे हैं प्रभु जी कीर्तन में मजा तभी आता है जब ये होता है तो फिर किसको मजे के लिए कर रहे हैं भगवान को कि खुद को ऐसे क्लियर होता है वो तो हम जो क्रियाएं कर रहे हैं वो उसमें समझ रहे हैं कि किसको ये कर रहे हैं किसको हमारा मोटिवेशन किया है वो करेंगे तो क्रिया भी देखेंगे सोचेंगे जानेंगे शास्त्र पढ़ेंगे कि भगवान को क्या चाहिए भोग लगाना है अभी हमें ठीक है अभी भोग लगाना है भगवान की संतुष्टि के लिए ठीक है तो हम ये रिसर्च करेंगे ना कि भगवान क्या खाते हैं उनको क्या खाना पसंद है ऐसा थोड़ी ना मुझे ये पसंद है तो भगवान आज मैं आपको ये लगा रहा तो हूँ अभी उसमें अपनी संतुष्टि के लिए हम कर रहे हैं ना, है ना? और हो सकता है आइटम वही हो जो भगवान को पसंद है मान लीजिए जा आपने जान लिया कि गुलाब जामुन भगवान को पसंद है अभी फिर भी जरूरी नहीं है कि वो हमारी भावना भगवान को पसंद करने की ही हो उसमें मिश्रित भी होता है तो वो इतना सरल नहीं होगा वो धीरे धीरे हमारी शुद्धि से ऐसा होगा मिश्रण कुछ होगा ही है ना लेकिन धीरे धीरे सुनते सुनते अभ्यास करते करते सेवा करते करते धीरे धीरे ऐसा आएगा समय कि जैसे वृंदावन में होता है सब गोपाल सब सब केवल केंद्रित हैं एकमात्र कृष्ण को संतुष्ट करने में गोपियाँ वो अपना आभूषण भी धारण करती हैं बाह्य रूप से ऐसा लगेगा कि वो अपने भोग के लिए श्रृंगार कर रही हैं लेकिन वास्तव में वो केवल कृष्ण को संतुष्ट करने के लिए श्रृंगार करती हैं हर चीज़ ये उच्चत उच्चतम स्तर है है ना तो ये संभव है प्रेम से अभी हमारे अंदर प्रेम नहीं है इसलिए ये प्रश्न उठते हैं क्योंकि हमको पता ही नहीं कि प्रेम क्या होता है प्रेम मतलब जिसमें केवल स्वामी की इंद्रियों को संतुष्ट करने की इच्छा ही हो स्वाभाविक हमें वो हम भूल गए हैं उसको करोड़ों साल से हमें पता ही नहीं है क्या होता है प्रेम इसलिए हमको ये समझना ही मुश्किल होता है क्योंकि हमारे दिमाग में तो केवल प्रेरणा का मतलब क्या जो अपने को अच्छा लगे वही से वहीं से प्रेरणा मिलती है किसी दूसरे को अच्छा लगे तो उससे हमें क्या प्रेरणा मिलेगी ये तो कभी हमने अनुभव ही नहीं किया है हैं क्या कीर्तन नहीं नहीं ये तो उल्टा हो गया नहीं, नहीं, वो इतना महत्व नहीं देते दे थे दे नहीं नहीं नहीं, नहीं भक्त्यान सरस्वती महाराज खुद अपने आप भी कीर्तन नहीं करते थे पब्लिक में जिस जो अच्छा गा सकता है वो उसको ही देते थे क्योंकि कीर्तन हो रहा है भगवान की संतुष्टि की अभी मान लीजिए भगवान को भोग लगाना है रसगुल्ला हमें पता चला भगवान को अच्छा लगता है हमने उसको भोग लगाना है अभी हम किसको चुनेंगे बनाने के लिए जो उसको पूरा जला दे उसको चु उसको चुनेंगे बनाने के लिए कि भैया आप सबसे थर्ड क्लास बनाते हो आप बनाओ जिससे कि आपके अंदर ये भाव ही नहीं आए कि मैं भोग रहा हूँ तो वो तो सही तरीका नहीं है जो सबसे अच्छा बनाए उसको चुनेंगे और साथ साथ जिसमें अच्छी भावना भी हो उसको चुनेंगे दोनों चीज़ होनी चाहिए भावना भी होनी चाहिए और रसगुल्ला भी अच्छा बनना चाहिए रसगुल्ला अच्छा बनाने वाला है लेकिन उसकी भावना बिल्कुल नहीं है तो वो भी नहीं चुनेंगे तो दोनों चीज साथ में लेके चलनी पड़ेंगी ठीक है, है।, तो है। इसलिए उसकी जो गहराइया डिटेल वो बहुत बड़ी चर्चा का विषय आवश्यक नहीं है उसमें क्या है जब हमारी जब प्रलय होती है ना तो हम भगवान के शरीर में चले जाते हैं और फिर जब दोबारा सृजन होता है तो वहीं से आते हैं तो इस सृष्टि में कहाँ से आए वही कुंड से नहीं आए यहाँ कहाँ से आए भी भगवान के शरीर से आए तो इस तरह से वो भी सही है कि हम यहीं से आते हैं और वो भी सही है कि हम वहाँ से आते हैं बात हो रही है कौन से उसकी बात कर रहे हैं आप ठीक है समाप्त करें हरे कृष्ण शिव प्रभुपाद की जय